हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं होली स्पेशल मालपुआ। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1.5 कप मैदा। आप इसको अच्छे से छान के एक बाउल में निकाल लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर। तो ये मैंने नॉर्मल इलायची को कूट लिया है, वो डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सौंफ, और इसमें अब आप डालिए थोड़ी सी नारियल। ये सूखा नारियल है, इसको ग्रेट करके डाल दीजिए। और अब हमने इसमें डालिए पिसी हुई चीनी, वो भी 1/4 कप पिसी हुई चीनी। और अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो ये पहले मैंने 1 कप दूध लिया, जिस कप से मैंने मैदा का 1 कप मेज़रमेंट लिया था, तो उसी से पहले हम 1 कप दूध जो है इसमें धीरे धीरे डालेंगे, और ताकि इसमें जो है गाँठे ना रहें। इस तरीके से आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमको कितना दूध डालना है। तो पहले टोटली पहले मैंने 1 कप दूध डाला है, लेकिन इसका बैटर अभी भी गाढ़ा है। तो इसके बाद मैंने फिर जो है, ये देखिए, 1/4 कप दूध और ले लिया है कप में, ताकि इसको, अभी ये काफ़ी गाढ़ा है, तो इसको डाल के ये देखिए इतना दूध ये टोटल ही लग गया है हमारा। अभी भी बैटर गाढ़ा है, ये देखिए, तो ये दूध इतना ज़रा सा बचा है और ये बैटर एकदम तैयार हो गया। ये देखिए, ये बैटर इस तरीके से एकदम तैयार करना है आपको। तो चलिए दूसरी तरफ, तो पहले हम चाशनी रख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1/2 कप चीनी ली है, और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी। तो जितनी चीनी लेंगे उसका आधा हम पानी लेंगे, और इसको हमको जो है सिर्फ चीनी को इसमें मेल्ट करना है। हमको 1-2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। गैस का फ्लेम अब मीडियम रख के इसकी चाशनी इस तरीके से तैयार कर लीजिए। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी केसर। अगर आपके पास केसर है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसके डाल के हम गैस बंद कर देंगे। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई गरम कर ली है, और ये देखिए बैटर भी इस तरीके से एकदम रेडी हो गया है। आप चाहें तो बैटर को 1/2 घंटे के लिए रख भी सकते हैं, लेकिन मैंने तो ये तुरंत बनाना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए, आप इस तरीके से इसको बीच में फैला दीजिए। गैस का फ्लेम एकदम मीडियम कर दीजिएगा, नहीं तो कभी कभी ऊपर से तो ये सिक जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया से इसका शेप आ गई है। अब हम इसमें 1 चम्मच और डाल देते हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी जगह है। तो आप ऐसे डालिएगा तो ये अपने से ये फैल जाएगा। अब हम इसको पलट देते हैं। इसी तरीके से आप पलट के इसको गोल्डन कलर में सेक लीजिए। जैसे ही अब हम इसको निकालेंगे, तो जो चाशनी तैयार है हमारी, उसमें इसको डाल देंगे, ताकि पुए में जो है चाशनी अच्छे से मिल जाए। आप 1 मिनट इसको पड़ा रहने दीजिए और निकाल लीजिए बाद में। तो ये देखिए कितने बढ़िया पुए तैयार हैं। इसी तरीके से हम दूसरा भी निकाल लेते हैं, और उसको चाशनी में डिप कर देंगे। और चाशनी में डिप करके आप इस तरीके से फिर इसको दूसरी प्लेट में सर्व कर सकते हैं। तो चलिए, हम इसी तरीके से सारे पुए बना लिए हैं, और अब हम इसमें ऊपर से डाल देते हैं थोड़े से बादाम डेकोरेशन के लिए। तो देखिए कितने झटपट हमारे मालपुए तैयार हो गए हैं। होली आ रही है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो बहुत सारा लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।